नमस्कार जी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं जा रही हूँ घास के लिए और साथ में मैंने ले जाना है गोबर। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने गोबर कहाँ से ले जाना है। मैं जा रही हूँ खेत के लिए, ये मैंने ले जाना गोबर का कीड़ा, इन्हें उठूँगी पीठ में और साथ में ले जा रही दराती भी दो ले जानी और ऊपर से ले जाने के लिए ये कुदाल है और उठाऊंगी पीठ में। मुझे जाना है मक्की बीजने, मैं चल पड़ी। तो गाइस, मैं चली हूँ और साथ में व्यू भी दिख रहा है। मौसम खराब है, बादल ही बादल दिख रहे हैं। तो मैं चली हूँ किल्ठा लेके। दिखाती हूँ मैं आपको पेड़। ये जो पेड़ है ना, हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, शाड़ी। छोटी छोटी लगती है, खाने के लिए मीठी होती है, खुमानी की तरह। मैं दिखाती हूँ आपको कांटा। ये ना खाने के लिए होता है, हमारे पता है क्या बोलते हैं इसके लिए, कष्ट में बोलते हैं। जब ये खाने के लिए होंगे ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप मुझे बताना कि आपके क्या बोलते हैं। और पीछे व्यू भी दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। और वीडियो ना बेटी बना रही थी, तो मैं ना आगे आगे चली थी। हाय गाइस, मैं बैठी हूँ यहाँ पे रेस्ट करने, मेरा थोड़ा सा भारी है तो मेरे दर्द हो गई थी, तो अब चलती हूँ मैं। गिर गई थी यहाँ से। अब मिलाती हूँ मैं आपको भाभी जी से। घर के लाए भाई काम किसे कर ले। हाय, किस ला दो करे काम किसे कर रहे थे। ऐसा कौन तो घोड़े के ला तो पतले पतले कर ना, जिसमें कुछ ज्यादा ब्लूम आए हुए। अच्छा, इसलिए इनको दो सिंगल रखा हूं। अच्छा, तो पतला कर लेंगे इसमें। हां जी हाँ, ताकि फ्रूट साइज थोड़ा बढ़िया बने ना। बहुत ज्यादा फिर फसल आ जाती तो फिर पेड़ भी नुकसान हो जाता है, तो इसलिए सच में ये पतले करने करते हैं। चलो बढ़िया है, ठीक ला दो तुम करी। तो गाइस, मैंने डाला ये यहाँ पे बगीचे में, तो इसे थोड़ी सी खुराक मिल जाएगी। तो मैं ये करके इसको डालती हूँ ताकि सब जगह से प्रोटीन मिले और
दराटी भी मैंने इसी में फेंक दी, मेरी तरफ लकड़ भी कोई नहीं है, शायद दूसरी भी मैंने इसी के अंदर डाल दी। ये डाल दी। अब ना मुझे घास भी निकालना है और साथ में मक्की भी बीजनी है, ठीक है। गाइज यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड क्लीनिंग कर रहे हैं। ये इस पर का पेड़ है, इसमें ना बहुत ज़्यादा फसल आ गई है, तो फिर ज़्यादा आए तो फिर ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़े से पतले, फिर अच्छा साइज़ भी बनेगा इसका, इसलिए ये काट लिया आपने। इधर भी इसमें चार पांच हर बीमे में लगे हुए हैं, तो इसमें मैं एक दो ये रख लूँगा ज़्यादा, ताकि ये साइज भी बने और अच्छा साइज बने। ये देखो सर, ये लो जी, ये लो। ये भी काट रहे, दो ही रखे। तो गाइस ये वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसको ना हम ले जाते हैं घास के लिए, गाय बड़े प्यार से खाती है इसको। फिर अभी इतना होता है तो अभी मैं इसका किंग ब्लूम रखूँगा, जो किंग है वो रखूँगा इसका, बढ़िया सा दो तीन, चल तीन इनको रखो रहने। ये देखो गाइस, ये जितने भी इस पर वाले पेड़ है मेरे, सब मैं एक दो दो एक दो ही रखूँगा। नहीं लगी है तो है, चलो इसमें भी आ जाएंगे, इसमें कम लगी है, इसमें भी यहाँ पे कम लगी है। और ये इधर चाइनीज का पेड़ है, तो इसमें लगी है, हाँ लगी है, इसमें सेटिंग भी हो गई है शायद। घास के लिए घास, ये नीचे घास का भी दिखाते हो। गाइस ये देखो, हमारे ना इसको बोलते हैं खफरा, और इसकी दूसरी वैरायटी होती है, उसकी सब्जी होती है, और ये वाली वैरायटी ना घास के लिए होती है, तो हम इसको घास के लिए निकालते हैं। गाय बड़े प्यार से खाती है इसको। ये ना नाशपति का पेड़ है, इसमें लगे भी है, कम कम लगे, ज़्यादा नहीं है लगी हुई इसमें, तो इसको ना अभी 2-3 साल हुए, इसमें ना हमने ग्राफ्टिंग की थी, तो इतनी बड़ी हो गई है, अभी इसमें कम ही है लगे हुए। अच्छी है, जल्दी हो गई इसकी ग्रोथ। तो गाइस इसमें ना हमने ग्राफ्टिंग की थी, मेरे हस्बैंड ने की थी, तो ये ना पाजे का पेड़ था, तो इसमें ना चेरीज का पेड़ लगाया। ये देखो कितना बड़ा हो गया है, 1 महीना हुआ अभी इसमें, तो ये ब्लैक कलर की है, खाने के लिए बहुत ही टेस्टी होती है। देखो कितनी लंबी हो गई, इसकी ग्रोथ तो बहुत तेज़ हो गई है, तो मज़ा आएगा खाने में जब ये बड़ी हो जाएगी। तो जब इसमें फल लगेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको ज़रूर, तो आप मुझे फिर बताना ये कैसी है। और ये वाले ना हमारे पता क्या बोलते हैं इसको, हमारे बोलते हैं हिस्र, और ये ना खाने के लिए होते हैं, अभी हुए नहीं, और ये होते हैं कैसे होते हैं, ये बाबा कलर के होते हैं, अच्छे होते हैं खाने के लिए, बहुत ही अच्छे। तो अब ये हरे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, अभी इसमें कम लगे हुए, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं लगे हुए, बहुत ही ज़्यादा, खाने का बहुत मज़ा आता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने जौ भिजे हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये ले जाऊँगी मैं गाय के लिए, घास के लिए, खाने के लिए, आजकल ना हरा घास कम होता है, तो ये ले जाऊँगी,
और वहाँ पीछे ना गाय बांधी हुई है, तो ये ना किसी और ने बांधी हुई है यहाँ पे। हमारे ना इसको पता क्या बोलती है, हमारे ना इसको खुड बोलते हैं। तो ये गाय औरों की है, हमारी है नहीं। और नीचे की तो गाइस मैं दिखाती हूँ आपको अब यहाँ पे तो एक गाय ना तो चिल्ला चिल्ला के दिखा करके बताओ, मैं दिखाती हूँ आपको क्या खुजते हैं हम। तो गाइस हमारे पता पहले क्या करते हैं, इस तरह से बीज फेंकते हैं, मुझे खुद है। मैंने ना ये भूल के रखी थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम कैसे खो देते हैं। तो गाइस मैंने पहले बीज फेंका था, तो अब ना मैं इनको मिट्टी से कवर करूँगी। तो इनको ना आजकल ही बीजा जाता है, मक्की को आजकल के ही सीजन में बीजा जाते हैं। तो मैं किस तरह से बिजाई करती हूँ ये देखो आप। इस तरह से ये घासों में इसका निकालना है, परे को पत्थर भी है इसके, ये भी साफ करनी है। मौसम भी खराब हो रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी थोड़ा सा करूंगी, ज्यादा नहीं, फिर घास भी निकालना है पहले। तो गाइस ये ना मेरी बेटी है, हेलो। ये ना खुदाई कर रही है, ना कोई इसको काम ही आता करना, बड़ी मुश्किल से लगी है। वो इसके पापा है, वो ये ना पता नहीं क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग की थी यहाँ पे, तो फिर इधर उधर का निकाल रहे हैं घास। पथरी पत्थर है भाई, इसमें तो काम करना पड़ता है जी। ये तो इसी धरती में है भाई, नहीं यार बढ़िया काम कर दे लगी था बेचारी, जैसी आदत नहीं है इसको ना, तो कहाँ से करेगी। ये चीनू की कोयल की आवाज है, देखो कैसे से। तो गाइस मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड, आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो मुझे ना कमेंट करके बता देना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।